नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डीके जीके जीएस ट्रिक में। साथियों, आज का टॉपिक है भारत की जनजातियाँ। दोस्तों, ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से हमेशा 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में दोस्तों हमने सभी इंपॉर्टेंट और चुनिंदा क्वेश्चन ही लिए हैं, तो वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि पनियान तथा इरुला जनजातियाँ किस राज्य में हैं। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा केरल। पनियान तथा इरुला जनजातियाँ केरल राज्य में पाई जाती है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और चुनिंदा लिए गए हैं। आपका अगला प्रश्न है कि दफला तथा सिपो जनजातियाँ किस राज्य में पाई जाती है। आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश में दफला तथा सिपो जनजातियाँ पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका लेपचा तथा भूटिया जनजातियाँ कहाँ निवास करती हैं। आपका ऑप्शन है सिक्किम, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है मेघालय और ऑप्शन डी है मिजोरम। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम, यानी लेपचा तथा भूटिया जनजातियाँ सिक्किम में निवास करती है। और दोस्तों, आप वीडियो को जब देख रहे हों तो कोशिश कीजिए कि वीडियो को रोक करके पहले इन प्रश्नों का उत्तर खुद से देने का प्रयास कीजिए, उसके बाद मिलान कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी है। यानी क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि चारों ऑप्शन में जो चारों जनजातियाँ दी गई हैं, इनमें से कौन सी जनजाति भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती हैं। आपका ऑप्शन ए है हालचू, ऑप्शन बी है रिंगमा, ऑप्शन सी है ओंजे और ऑप्शन डी है सोमफेन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रिंगमा। रिंगमा जनजाति जो है ये आपके भारत की अंडमान निकोबार समूह के मूल निवासी हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आदिवासी समूह सहरिया का संबंध किस समूह से है। दोस्त, कहने का मतलब ये है कि सहरिया जनजाति जो है ये एक प्रकार की आदिवासी जनजाति है और ये किस राज्य में पाई जाती है। आपका ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है राजस्थान। आपका सही उत्तर क्या होगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा, यानी सहरिया जनजाति जो है उड़ीसा राज्य में पाई जाती है, ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है। आपको ये बताना है इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी जनजाति है जो राजस्थान में नहीं पाई जाती है। यानी दोस्त, इसमें 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो राजस्थान में पाई जाती है और इनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो राजस्थान में पाई जाने वाली जनजाति नहीं होगी। आपका पहला ऑप्शन है भील, दूसरा ऑप्शन है मीरा, तीसरा ऑप्शन है डोगरी और चौथा ऑप्शन है सहरिया। बताइए दोस्त, आपका सही उत्तर क्या होगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डोगरी, यानी डोगरी जनजाति जो है ये राजस्थान में नहीं पाई जाती। बाकी आपकी तीनों जनजाति भील, मीरा और सहरिया राजस्थान में पाई जाती है। और दोस्तों, यकीन मानिए इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है वीडियो में पूरा बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुंडा जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह रेलवे के प्रीवियस कई एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है। मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। आपका ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन दूसरा है बिहार, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। बताइए दोस्त, सही उत्तर क्या होगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड। मुंडा जनजाति जो है ये झारखंड में पाई जाती है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भील जनजाति मूल रूप से कहाँ निवास करती है। यह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी रेलवे और एसएससी के कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। आपका ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में। यानी भील जनजाति जो है मूल रूप से राजस्थान के कुछ भाग में ही पाई जाती है, गुजरात के कुछ भाग में पाई जाती है और मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी पाई जाती है। इसलिए आपका सही उत्तर होगा तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कुकी जनजाति, कुकी में जनजाति मूल रूप से कहाँ पाई जाती है। इसको भी डबल स्टार मार्क कीजिएगा। आपके ऑप्शन है मणिपुर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी मिजोरम। बताइए दोस्त सही उत्तर क्या होगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर, कुकी जनजाति मूल रूप से मणिपुर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है गारो, खासी और जयंतिया, ये तीन जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं। आपके ऑप्शन है मिजोरम, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मणिपुर और ऑप्शन डी है मेघालय। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों जनजातियाँ जो हैं गारो, खासी और जयंतिया मेघालय में पाई जाती है, ध्यान में रखना है आपको। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। आवो जनजाति, आवो जनजाति का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है नागालैंड और ऑप्शन डी है त्रिपुरा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी असम, यानी आवो जनजाति का जो संबंध है वो असम से है, या आवो जनजाति असम में पाई जाती है। अगला प्रश्न है गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है। आपका ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है त्रिपुरा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, गोंड जनजाति जो है आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, या इनका निवास स्थान कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है। राजी, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी इरूला और ऑप्शन डी पनियान। ये भी डबल स्टार मार्क कीजिए दोस्तों, ये भी आपके कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। बताइए दोस्त सही उत्तर क्या होगा। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गोंड। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है गोंड है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवाह से संबंधित है। सॉरी यहाँ इसको प्रवाह पढ़िएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, प्रवाह। कौन सी जनजाति मौसमी प्रवाह से संबंधित है। थारू, ऑप्शन बी भुटिया, ऑप्शन सी जंसारी और ऑप्शन डी भोक्सा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भुटिया, यानी भुटिया जनजाति जो है आपके मौसमी प्रवाह से संबंधित है। ठीक है दोस्त, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चेचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस कई एग्जामों में और रेलवे एनटीपीसी के कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। इसलिए इसका पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है झारखंड और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। आपका सही उत्तर क्या होगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा चेचू जनजाति जो है मुख्य रूप से झारखंड प्रदेश के निवासी हैं, ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उराव, उरवा जनजाति किस राज्य से संबंधित हैं। आपके ऑप्शन वन है राजस्थान, ऑप्शन दूसरा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन तीन है झारखंड और ऑप्शन चार है नागालैंड। आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्त।
आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, ओरवा जनजाति नागालैंड से संबंधित है। किससे संबंधित है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है टोडा, टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है विभिन्न एग्जामों में। आपका ऑप्शन है नागालैंड, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है नीलगिरी के पहाड़ी में। आप में से अक्सर अधिकतर दोस्त इस क्वेश्चन के आंसर जानते होंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन ईजी के साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इस क्वेश्चन को हल्के में ना लीजिएगा। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी। टोडा जनजाति जो है नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आपका ऑप्शन ए है उरांव, ऑप्शन बी है मुंडा, ऑप्शन सी है हो और ऑप्शन डी है संथाल। बताइए आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी झारखंड राज्य में संथाल जनजाति जो है झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न है आपका गारो, गारो जनजाति का संबंध किस राज्य से है? आपके ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है मेघालय और ऑप्शन डी है मिजोरम। आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए असम, यानी गारो जनजाति जो है असम में पाई जाती है। ठीक है, देखिए दोस्त आपसे हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको हमारी मेहनत और कंटेंट पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और हो सके तो अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बोडो निवासी हैं या बोडो जनजातियाँ जो हैं वो कहाँ निवास करती हैं? आपका ऑप्शन है गारो पहाड़ी, ऑप्शन बी है संथाल परगाना, ऑप्शन सी है अमेजन बेसिन और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बोडो जनजाति जो हैं गारो पहाड़ी के निवासी हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकगीत प्रसिद्ध लोक निवासी सॉरी गद्दी लोक निवासी हैं, यानी इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि गद्दी जनजातियाँ जो हैं वो कहाँ के मूल रूप से निवासी हैं? आपके ऑप्शन ए हैं मध्य प्रदेश के, ऑप्शन बी हैं हिमाचल प्रदेश के, ऑप्शन सी हैं अरुणाचल प्रदेश के और ऑप्शन डी है मेघालय के। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, यानी गद्दी जनजाति जो है हिमाचल प्रदेश की मूल रूप से पाई जाने वाली जनजाति है। और दोस्त ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों में कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क कीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एसएससी रेलवे और हाल ही में बिहार दरोगा के हुए एग्ज़ाम और आगामी सभी आने वाले एग्जामों में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। आपके ऑप्शन ए हैं निकगिरी पहाड़ी, सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आप लोग इसे नीलगिरी पहाड़ियाँ पढ़िएगा, यानी नीलगिरी पहाड़ी। अगला ऑप्शन है निकोबार द्वीप समूह, अगला ऑप्शन है स्पीति घाटी और अगला ऑप्शन है लक्षद्वीप समूह। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी निकोबार द्वीप समूह, यानी सोमपेन जनजाति जो है निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका सहरिया, सहरिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है। आपको ये बताना है कि सहरिया जनजाति जो है वो कहाँ निवास करती है? आपके ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़ में, कि ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल में और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र में। आपके सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, सहरिया जनजाति जो है पश्चिम बंगाल में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? पश्चिम बंगाल में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? ध्यान रखिएगा जारवा जनजाति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, अगला ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अगला ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और अगला ऑप्शन है लक्षद्वीप। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, क्या होगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी जारवा जनजाति का जो संबंध है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से है। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं कि बिरहो का शाब्दिक अर्थ क्या है। आपका ऑप्शन ए है जंगल का आदमी, ऑप्शन बी है प्रकृति प्रेमी आदमी, ऑप्शन सी है पवित्र आदमी और ऑप्शन डी है अमादमी। बताइए दोस्त इसका सही उत्तर क्या होगा। आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जंगल का आदमी। बिरहो का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि घुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन ए है उरांव, ऑप्शन बी है कुंकड़ूक, ऑप्शन सी है मुंडा और ऑप्शन डी है संथाल। बताइए दोस्त इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक मिनट उरांव। घुमकुरिया जो है उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्य में किसमें अधिसूची जनजाति नहीं पाई जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि आपके ऑप्शन में चार ऑप्शन और चार राज्यों के नाम दिए गए हैं, इनमें से तीन राज्यों में अधिसूची जनजाति पाई जाती है और किसी एक राज्य में नहीं पाई जाती और उस राज्य का नाम आपको बताना है। आपका पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और चौथा ऑप्शन है गोवा। आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। दोस्त हरियाणा में अधिसूची जनजाति नहीं पाई जाती, बाकी इन तीनों राज्यों में पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है। आपको ये बताना है कि ऑप्शन में दिए गए चार जनजातियों के नाम में से ऐसी कौन सी जनजाति है जो केरल में पाई जाती है। आपका पहला ऑप्शन है चेचू, दूसरा ऑप्शन है लेपचा, तीसरा ऑप्शन है डफला और चौथा ऑप्शन है बाबर। बताइए आपका सही उत्तर क्या होगा। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चेचू, यानी चेचू जनजाति जो है वो केरल में पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की जाती है या की गई है। आप लोग यहाँ पढ़िएगा की गई है, यानी अभी तक ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें अभी तक कोई जनजाति समूह नहीं पाई गई है। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा, यानी अभी तक हरियाणा में कोई भी जनजातीय समूह की पहचान नहीं की गई है या हरियाणा में अभी तक कोई भी जनजातीय समुदाय नहीं पाए गए हैं। आपका अगला प्रश्न है कि थारू जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान में रखिएगा। आपके ऑप्शन ए है तराई प्रदेश, ऑप्शन बी है अरावली की पहाड़ी, ऑप्शन सी है छोटा नागपुर और ऑप्शन डी है पश्चिमी घाट। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तराई प्रदेशों में, यानी थारू जनजातियाँ जो हैं कहाँ पाई जाती है, तराई प्रदेशों में पाई जाती है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय समूह जो है मणिपुर में पाया जाता है। आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी जनजाति है जो मणिपुर में पाई जाती है। आपके ऑप्शन ए है भील, ऑप्शन बी है खोंड, ऑप्शन सी है कुकी और ऑप्शन डी है मुंडा। बताइए सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कुकी। कुकी जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है, मणिपुर में पाई जाती है, ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है, कई एग्जामों में आ चुका है। आपका पहला ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। देखिए दोस्त
मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस टॉपिक में और इस वीडियो में हमने एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन ही रखे हैं जो एग्ज़ाम में आने की पूरी पूरी संभावना है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो से 2 से 3 बार ज़रूर देखें। आइए इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए असम। अहोम जनजाति जो है कहाँ संबंधित है? असम से संबंधित है, यानी असम राज्य में अहोम जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिण राजस्थान की जनजाति कौन सी है? देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान से इसका उत्तर दीजिएगा। इसका पहला ऑप्शन है गरासिया, दूसरा ऑप्शन है मूर, तीसरा ऑप्शन है माया और चौथा ऑप्शन है खांसी। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गरासिया। गरासिया एक ऐसी जनजाति है जो नाच गाकर अपनी जीविका चलाती है, और ये जनजाति कहाँ पाई जाती है ध्यान रखिएगा, राजस्थान में, और राजस्थान में कहाँ? दक्षिणी राजस्थान में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भील जनजाति भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? आपके पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश, यानी भील जनजाति जो है सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आपके सामने पहला ऑप्शन है मारिया, दूसरा ऑप्शन है असुर, तीसरा ऑप्शन है यदगा और चौथा ऑप्शन है सहरिया। बताइए इन चारों में से कौन सी जनजाति है जो नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है या नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है? आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यदगा। यदगा एक ऐसी जनजाति है जो आपके नीलगिरी पहाड़ी में पाई जाती है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से ऐसी कौन सी जनजाति है जो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाती है या उनकी जनसंख्या सबसे अधिक है। आपके ऑप्शन है थारू, ऑप्शन दूसरा है बुक्सा, ऑप्शन 3 है खरवार और ऑप्शन 4 है बनरावत। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा थारू। दोस्त, थारू जनजाति ऐसी है जिसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? आपके ऑप्शन ए हैं इतनार, ऑप्शन बी है थारू, ऑप्शन सी है भील और ऑप्शन 4 है मुंडा। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी थारू। थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में पाई जाती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको हम इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहते हैं कि दोस्तों, हमारे हर सप्ताह में 7 दिन अलग अलग टॉपिक से अलग अलग वीडियो आती रहती है, इसलिए चैनल को ज़रूर विजिट करें और ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों, हम जितने भी टॉपिक से प्रश्न लाते हैं ये सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। अगर आप हमारी सभी वीडियो देख लेते हैं तो आपको अलग से कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्त, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निसी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये रेलवे के प्रीवियस ड्राइवर हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे NTPC हो, सब में पूछा जा चुका है, इसलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अंडमान निकोबार की नीलगिरी की अरुणाचल प्रदेश की कश्मीर घाटी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी। ध्यान रखिएगा, निसी जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी में पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की मुख्यतः कुकी जनजातियाँ निवास करती हैं? आपको ये बताना है ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें कुकी जनजाति पाई जाती है या वहाँ कुकी जनजातियों का निवास स्थान है। आपके सामने ऑप्शन है मणिपुर, ऑप्शन दूसरा है नागालैंड, ऑप्शन 3 है
अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है मिजोरम। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। दोस्त इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। कुकी जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है, मणिपुर में पाई जाती है, ध्यान में रखिएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है कि भील जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है। बताइए भील जनजाति कहाँ पाई जाती है। आपके सामने ऑप्शन है असम, ऑप्शन दो झारखंड, ऑप्शन तीन पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आपके इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। आप में से देखते हैं कितने दोस्त इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।